रात्रि क्लास चल रहा था, इकतीस दस 1966 दूसरे पेज के मध्यात में बात चल रही थी। लोग कहते हैं भगवान तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर विघ्नों को हटाए क्यों नहीं सकते हैं? परंतु उनको ड्रामा का पता नहीं है। ये सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर ये बेहद का ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा अविनाशी है, क्योंकि मनुष्य के जो बनाए हुए ड्रामा हैं, तो मनुष्य विनाशी तो उनके ड्रामा भी विनाशी, और भगवान तो अविनाशी है। और जो भगवान अविनाशी है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव माने कल्याणकारी, सारी दुनिया का कल्याणकारी, क्योंकि वो हमारी आत्मा की तरह ही निराकारी है। निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी शिव ज्योति बिंदु, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, उनका अपना शरीर होता ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। इसलिए त्रिकालदर्शी है, और हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है जिसके बाद आत्मा सब कुछ भूल जाती है पूर्व जन्मों की बात। तो मनुष्य आत्मा तो त्रिकालदर्शी हो नहीं सकती, विस्मृति हो जाती है। और भगवान तो सदाकाल स्मृति स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने वाला है, स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। तो जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला है, वो परमपिता परमात्मा जिसे कहा जाता है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल अविनाशी है। उसके अलावा इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज अविनाशी नहीं हो सकती।
इसलिए वो जो ड्रामा क्रिएट करता है, क्रिएटर बन करके, रचयिता बन करके, उस सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट करता है, क्योंकि से वेद के ड्रामा का हीरो पार्टधारी भी है। पार्टधारी सब साकार आत्माएं होते हैं या सिर्फ निराकार आत्मा होते हैं? तो जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुप्रीम नाटककार होने के कारण, क्रिएटर होने के कारण, डायरेक्टर होने के कारण इस सृष्टि पर, रंगमंच पर सदा कायम रहने वाला है। तो कैसा ड्रामा बनाता होगा है? अविनाशी ड्रामा बनाता है। ये ड्रामा अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस वेद के ड्रामा में जितने भी आत्मा रूपी पार्टधारी हैं, सबका पार्ट अविनाशी है। आत्मा अविनाशी तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। परंतु इस ड्रामा का पता न होने के कारण वो बेचारे कुछ भी नहीं समझते हैं। जो ये प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो विघ्नों को क्यों नहीं हटा सकते? अरे जिस आत्मा के स्थान में जो भी विघ्न पड़ते हैं वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पड़ते हैं या बिना कर्मों के पड़ते हैं? तो हर आत्मा के सामने पुरुषार्थी जीवन में जो भी विघ्न आते हैं वो विघ्न उनके द्वारा स्वयं ही क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए जरूर आते हैं। तो इस बात को वो अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं और अपन लोग तो समझ ही लेते हैं कि सारा कल्प भी और एक कल्प की बात नहीं, कल्प कल्प जो भी विघ्न पड़ते हैं सो पड़ते ही रहेंगे। इसलिए इन विघ्नों से कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान वाच है। क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान से जन्म लिया हम आत्मा रूपी पाठकारियों ने, भगवान ने इस रंगमंच पर हमको अपने स्वरूप का असली परिचय दिया कि तुम कौन हो? अविनाशी आत्मा हो, ज्योति बिंदु। जो ज्योति बिंदु राजा इस शरीर रूपी वृक्ष का मालिक है,
राजा नीचे बैठेगा या ऊपर बैठेगा? तो इस शरीर में जो उत्तम से उत्तम अंग है, उस उत्तम अंग में भरी पूरी प्रकृति के बीच में बैठता है। क्या छोटे मोटे या नीच अंग में नहीं बैठता है? कहाँ बैठता? उत्तम अंग। तो हम जानते हैं कि जो भी विघ्न पढ़ते हैं वो ड्रामा अनुसार पढ़ रहे हैं। बल कितने भी विघ्न पढ़े परंतु हमें तो मालूम है क्या, जैसे गीता में लिखा हुआ है, जहां पुरुषार्थ रूपी धनुष को धारण करने वाला अर्जुन है, क्या ये शरीर हमारा क्या है? पुरुषार्थ करने वाला धनुष है। पुरुषार्थ करने में हम जितना इसको खींचना चाहें उतना खींच सकते हैं। इस सब पुरुषार्थ रूपी धनुष के टूटने की बात है ही नहीं। क्यों? कि इसकी जिम्मेवारी किसने ली है? जिम्मेवारी ऊंचते ऊंचे बाप ने ली है, जो हम आत्माओं का ऊंचते ऊंचे बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी ऊंचे ते ऊंचा बाप है। क्योंकि वो आत्माओं का बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप में प्रवेश किया हुआ है। तो देखो ये तो नियम है, जो ऊंचा होता है, जैसे भगवान के लिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। काम के आधार पर ढेर सारे नाम पड़े हैं। तो वो ऊंचते ऊंचे काम करने वाला है, इसलिए पहले से हमें बता दिया कि बच्चे आखिरी विजय तुम्हारी है। तो कितने भी विघ्न पड़े डरने की दरकार है नहीं। कितने भी पले विघ्न पड़े फिर भी राजधानी की स्थापना तो हो ही जाएगी। क्या ये नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का ड्रामा मेनूद है? तो फिर पीछे के विघ्नों को क्या देखना? भले कितने भी विघ्न कड़े हों, छोटे विघ्न हों, मोटे हों या कुछ भी हों, विघ्न तो पड़ने हैं, तो भी कैसे भी करके नई दुनिया की राजधानी तो स्थापन हो ही जाएगी। ये बता दिया विघ्न क्यों पड़ने हैं? विघ्न इसलिए पड़ते हैं कि हम राजयोग सीखने वाले
राजयोग सीख करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर के नंबरवार राजाएं बनते हैं। ये राजा बनने की पढ़ाई, ये स्वाधीन राजा बनने की पढ़ाई भगवान के सिवाय कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताए हुए, इन्होंने मनुष्यों को या अपने धर्म के फॉलोअर्स को भी आधीन बनाया या स्वाधीन बनाया? हैं? आधीन बनाया। और भगवान ही आकर के राजयोग सिखा करके हमको स्वाधीन राजा बनाता है। तो जब हम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं नंबर बार, तो दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो तो होती है। तो कलयुग के अंत में हम कैसे राजा बनते हैं? सतो प्रधान राजा बनते हैं या तामसी राजा बनते हैं? तामसी कर्म करने वाले राजा बनते हैं। और देह अहंकार में आकर के बहुत पाप करते हैं। करते हैं या नहीं? कलयुग के अंत के इन राजाओं ने तमो प्रधान होने के कारण आपस में लड़ करके भारत का सत्यानाश कर दिया। आज भारत विदेशों के अधीन हो गया, विदेशों से भीख मांगता रहता है। तो भिखमंगा नीचा हुआ दुनिया की दृष्टि में या ऊंचा हुआ? नीचे से नीचे बनाई दिया। हम तो समझ गए कि हम ऐसे नीचे, हम ऐसे गरीब क्यों बने भारतवासी? हैं? इसलिए नीचे गरीब बने कि हमने कलयुग के अंत में राजा बन करके अहंकार में आकर के ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं दूसरों के साथ। कौन दूसरों के साथ? उन्हीं आत्माओं के साथ जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कच्चे भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, कोई दाई ओर के धर्मों में, षष्ठी वृक्ष में देखो बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक वगैरह, ये भारतीय दाई ओर के धर्म हैं, जहां भारतीय ही कन्वर्ट हुए और दूसरे धर्मों की पक्की आत्माएं परमधाम से आकर के उनमें प्रवेश करके अपनी जनसंख्या बढ़ाती है। इसी तरह ढेर सारी भारतीय आत्माएं कच्ची होने के कारण विदेशी धर्मों में षष्ठी वृक्ष के बाई ओर के धर्मों में बाम मार्ग में कन्वर्ट हो जाती, पक्के पक्के बाम मार्गी बन जाते हैं। बाम मार्ग अच्छा या दायां हाथ अच्छा? दायां अंग अच्छा माना जाता है, सफाई का काम बाएं अंग से करते हैं, दाएं अंग से पूजा पाठ अच्छे काम किए जाते हैं, दान धर्म किया जाता है,
तो देखो दुनिया की वो आत्माएं जिन्होंने कचरा उठाया है, व्यभिचार का कचरा, वो ही व्यभिचारी आत्माएं और उनके प्रभाव में आने वाले दाई ओर कन्वर्ट होने वाले भारतीय धर्म, बौद्धि हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सब आज विदेशियों के प्रभाव में आ गए और उनकी विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। वो सब आत्माएं इस अंतिम जन्म में कलयुग के अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, शांति धाम परम धाम छोड़ करके, तो उन सब कन्वर्ट होने वाली मुख्य मुख्य आत्माओं को और फिर आम आत्माओं को भी, चाहे कहो कि ड्रामा बना हुआ है, इस अंतिम जन्म में वो आत्माएं आकर के भारत में जन्म लेती है, क्योंकि भारत में ही भगवान को आना है। किनके लिए आना है? विदेशियों के लिए है, कन्वर्ट होने वालों के लिए आना है कि नहीं आना है? भगवान तो जानते हैं ये जो कन्वर्ट हुए हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि भगवान ने जब पढ़ाई पढ़ाई थी तो इन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, दुनियावी रमक दमक के चक्कर में आकर के धंधा धोरी में इतने फंसे रहे पैसे कमाने में कि उन्होंने ज्ञान धर्म की कोई कीमत नहीं समझी। बाप जो दो जोर देते हैं पढ़ाई के ऊपर कि तुम बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट बनना है, माना रोज क्लास करना है, भगवान पढ़ाने वाला है तो क्यों ना रोज क्लास करें और पंक्चुअल हो करके क्लास करें। पंक्चुअल का मतलब टाइम से आए और क्लास होने पर, पूरा होने पर टाइम से वापस जाए, नहीं तो क्या होता है, जो स्टूडेंट सुप्रीम टीचर आया हुआ है फिर भी क्लास में बहुत लेट आते, तो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं या रिगार्ड करते हैं? टीचर की नॉलेज का डिसरिगार्ड करते हैं। ऐसे डिसरिगार्ड करने वालों को ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा। सुप्रीम टीचर जो बाप भी है हमारा, वो सदगुरु भी है, वो हमारे ऊपर खुश होगा, दुआएं देगा, नहीं देगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो जो बाप की रचना है अल्लाह बल्दीन जिसे कहा जाता है, ऊंचे तेरे ऊंच अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, वो अव्वल नंबर के धर्म अर्थात
सूर्य वंश में नहीं आ सकेंगे। क्या अव्वल नंबर सूर्यवंशी बनने के लिए बाप का प्यारा, सुप्रीम टीचर का प्यारा और सदगुरु का प्यारा शिष्य होना जरूरी है या नहीं है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार होना जरूरी है। तो भगवान बाप ऐसे बच्चों को जो रेगुलर भी हैं, पंक्चुअल भी हैं और दत्तचित्त होकर के भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, उन बच्चों को वरदान दिया है कि एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। कौन से ज्ञान में? सूर्यवंशी ज्ञान में चलेगा, चंद्रवंशी में चलेगा, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि धर्मों में चलेगा या फर्स्ट क्लास धर्म की स्थापना में चलेगा? तो देखो यहां नंबर बन जाते हैं पढ़ाई के आधार पर। जो नंबर बनते हैं उनमें कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं रोज पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, अरे भगवान आया हुआ है, ऊंचते ऊंचे भगवान, दुनिया का सुप्रीम टीचर, उसकी पढ़ाई की भी कदर नहीं करते। कहते हम 7 दिन में एक बार आएंगे। अरे तुम जैसी शूटिंग करोगे वैसे ही बनोगे ना? क्या कहा है? अगर तुम मुसलमानों और क्रिश्चियंस की शूटिंग करोगे, मुसलमान क्या करते हैं? जुमा 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 मस्जिद में 7 दिन में एक बार शुक्रवार के दिन जाकर के नमः आज आज हमारे गुरु राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का दिन है, इसलिए हम आज नमन करेंगे, रोज नमन नहीं करेंगे। देखो तो बताओ ऐसी आत्माएं कौन से धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी? हैं? या तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी या तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी। तो देखो हमारा भाग्य, भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के आधार पर हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। क्या कहा है? गीत बनाए दिए हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, गीत गाते हैं ना, तो क्या वो जानते हैं हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर कैसे है और कब हुई? कब हुई है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए तब हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में आई या उन धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तब हमारी मुट्ठी में तकदीर देता है? कब देता है? बाप का बाप। जब बाप आता है कलयुग के अंत में, जब सब धर्म इस दुनिया में मौजूद होते हैं तब आता है। इसलिए गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
क्या? सब धर्मों को छोड़ दो, माम एकम, मैं जो धर्म स्थापन करता हूं, अव्वल नंबर का धर्म, उन धारणाओं में आ जा, उस धर्म में आ जा। क्या धर्म बताते हैं? स्वधर्म ए निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा स्व है, और शरीर पांच तत्वों का बना हुआ प्रकृति का पुतला है। आज ये पुतला हमें मिला है और कल खलास हो जाएगा। तो देखो, हमारा स्वधर्म आत्मिक स्थिति में टिकना हुआ ना, इस आत्मिक स्थिति में टिक करके निधनम, हमारा शरीर रूपी क्या ये वृक्ष खत्म भी हो जाए तो भी बीज रूप जो आत्मा है उसका कल्याण होगा या नहीं होगा? कल्याण होगा। तो स्वधर्मे निधनम से यह अपने आत्मा की स्मृति के धर्म में टिकना चाहिए। जो और धर्म पिताओं ने धारणाएं स्थापन की हैं धर्म की, उनको परित्याग कर देना चाहिए। धर्म को परित्याग करेंगे या धर्म पिताओं को भी परित्याग कर देंगे? हैं? हैं? अरे धर्म का परित्याग करेंगे, स्वधर्म हम अपनाएंगे, या जो धर्म को स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं उनको भी गोली मारेंगे? हैं? बाप ने तो कहा इन देहधारी धर्म गुरुओं को सबको मारो गोली। बेहद का बाप है तो बेहद की गोली मारना सिखाएगा या हद की गोली मारना सिखाता है? बेहद की गोली क्या है? ज्ञान की तीखी तीखी गोलियां मारते जाओ। वो अपने आप अपने देह के धर्म से नष्ट हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से या अपने धर्म में टिके रहो, दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भय पैदा कर देगा। कैसा भय? दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हो करके जो गए भारतवासी, वो उनके धर्म में जाकर के ऊंच पद पाते हैं या नीच पद पाते हैं? नीचा पद पाते हैं। वो अपने साथ आई हुई आत्माएं जो उनके भाई बंधु हैं उनको सपोर्ट करेंगे या तुमको सपोर्ट करेंगे? हा? परम धाम से जो आत्माएं उन धर्म पिताओं के साथ आती हैं, उनके पीछे पीछे आती हैं, वो उनके भाई बंधु हुए ना, उनको सपोर्ट करते हैं। और जो भारतवासी हैं कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में, उनको हिराकत की नजर से देखते हैं। क्या? अरे ये हिंदू काफर हैं, काफर। क्यों कहते हैं काफर? हैं? फिर माने फिरना, कहा माने कहां कहां फिरते रहते हैं। कभी किस धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको अपने धर्म के ऊपर निश्चय विश्वास है ही नहीं। सब धर्म वालों को अपने धर्म पर इतना पक्का निश्चय है कि वो अपने धर्म पिता को जानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, जानते हैं। जानते कि नहीं? जानते, मानते हैं, जानते हैं, अपने धर्म का नाम भी पक्का पक्का जानते हैं। और ये भारत के हिंदू ऐसे हैं
जो अपने धर्म को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, भूल गए कि नहीं, और अपना धर्म ग्रंथ कौन सा है ये भी उनको पक्का निश्चय नहीं रहता। अब हमें तो बाप ने बता दिया, हमारा जन्म जन्मांतर का और संगम युग का भी धर्म ग्रंथ कौन सा है, है? जिसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। श्री माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, मत माने बुद्धि अकल, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि अकल मत देने वाली ज्ञान की गीता, गीत वो हमारा धर्म ग्रंथ है। जब भगवान प्रैक्टिकल में आते हैं तो भी प्रैक्टिकली हमको गीता सुनाते हैं, गीता का गीत सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं। कविता में राज भरे हुए होते हैं या नहीं? अरे वो ही तुलसीदास की कविताएं कवित्त, वही सूरदास के कवित्त, वही रहीम दास के कवित्त, वही कविताएं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। वहां रटते हैं, क्या करते हैं बच्चे? रटते हैं। उनका गहरा अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। वही कवित्त, वही कविताएं, वही दोहे जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनका गहरा गहरा अर्थ ऊंचे ऊंचे प्रोफेसर से बताते हैं। ऊंची कक्षा के टीचर्स होते हैं, ऐसे ही यहां भी है। भगवान बाप आते हैं तो माता के रूप में बच्चों के सामने पहले आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की पालना माता ही कर सकती है, जो सहन शक्ति का आधार होती है। पिताएं उन छोटे बच्चों का पालना नहीं कर सकते। तो भारत में गायन है माता को आगे रख करके कि भगवान आते हैं तो पहले किस रूप में आते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो माता बनकर के आता है। उस माता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्म ने बड़ी और मां माने मां, ये नाम दिया। ऐसा ब्रह्मा जिसके मुख से भगवान आकर के वेद वाणी सुनाते हैं, शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। वेद कहां से निकले? ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई वो ही वेद वाणी हो गई, वो ही गीता ज्ञान हो गया। लेकिन गीता ज्ञान तो देता है ब्रह्मा के मुख से, लेकिन ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान अमृत नहीं निकलता। क्या कहा? निकलता है नहीं। जब तक ब्रह्मा जीवित रहा, दादा लेखराज जिनके द्वारा स्थापन किए हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में खुले हुए हैं, इतना विस्तार और किसी धर्म ने नहीं किया इतने थोड़े समय में, जितना विस्तार इसके द्वारा हुआ, ब्रह्मा के द्वारा। तो देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिदेव हैं, जो भगवान के पैरोटी के बच्चे कहे जाते हैं। वो पावरफुल बच्चे हैं, इसलिए भारतवासियों ने उनकी यादगार में इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले तीन शेरों के रूप में दिखाई दिया।
बोलो दिखाया कि नहीं है? तीन शेर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और उनको विजय के डंडे के रूप में, कैसा झंडा? विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। अरे उन भक्तों ने तो कपड़े का झंडा बना दिया, उनसे पूछो ये कपड़े के झंडे ने कभी हिस्ट्री में और भी विजय प्राप्त की थी? कपड़े का झंडा विजय प्राप्त करता है या कोई शरीर रूपी होता है कपड़ा? वो शरीर रूपी कपड़ा विश्व विजय के लिए महत्वाकांक्षी होता है और हुए भी हैं हिस्ट्री में, लेकिन जो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने हिंसा का आधार लिया, इसलिए वो हिंसा के आधार पर कभी भी विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सके। ये विश्व के ऊपर विजय दिलाने का कार्य भगवान ही आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता है, उस मत के आधार पर जो चलते हैं वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं कोई भी धर्म की हो, नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न, जब उनके शरीर के ऊपर एटम बमों की आग आना शुरू हो जाएगी, कहते हैं ना सर के ऊपर डंडे बजते हैं, तब पता चलता है क्या असलियत है। तो वो नास्तिक आत्माएं भी भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाएंगी। तो देखो ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है, सारी दुनिया इस संसार में प्रैक्टिकल में आए हुए, खास भारत में आए हुए भगवान के सामने झुकेंगी। कैसे झुकेंगी? कैसे झुकेंगी? भगवान ने बोला है क्या, मैं सभी देह अभिमानी मनुष्यों को कैसे अपने घर शांति धाम परम धाम ले जाऊंगा, मच्छरों के सदृश ले जाऊंगा। ये क्यों नहीं कहा हाथियों की मिसल ले जाऊंगा, हथिनी की तरह ले जाऊंगा है? अरे हाथी में तो बहुत देह अभिमान होता है, उसकी आंखों से ही कितना देह अभिमान का मद झलकता है, बड़ा ढील ढोल वाला देह, उस देह का भारी अहंकार। बाप कहते हैं ये देह अहंकार छोड़ दो, क्या एक एक आत्माओं को जो मनुष्य आत्माएं कही जाती हैं खास, उनको कैसा बनाकर ले जाऊंगा? जैसे मच्छर होता है, कोई देहवान नहीं, मच्छर आया बैठा यूं पट से मारा, ऐसे ले जाऊंगा। तो देखो अपन की बुद्धि में तो ये बात आ गई क्या कि भगवान आया हुआ है, जिसके लिए गायन है, एक सेकंड में विश्व की बात चाहिए देते हैं। राजा जनक को एक सेकंड में क्या किया, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे दिया। तो क्या एक की बात होती है, है? या नंबरवार सभी जनक हैं? जनक माने जनन करने वाले, जनन माने पैदा करने वाले,
सभी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं, तो जन्म जन्मांतर जनक अर्थात आत्माओं को जन्म देने का काम करती हैं या नहीं करती हैं शरीर के रूप में है? करती हैं। और संगम युग में भी वेद के नंबरवार जनक हैं, कोई थोड़ी आत्माओं को आत्मा का परिचय देते हैं, कोई ढेर आत्माओं को आत्मा का परिचय देते हैं, कोई बड़े जनक कोई छोटे जनक। तो जो भी ऐसी बाप समान आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्हें बीज रूप बाप कहा जाता है, सारी दुनिया के सब धर्मों के बीज अभी भगवान बाप के सामने पड़ रहे हैं, और वो जानते हैं कि जो विघ्न पड़ रहे हैं वो हमारे ही पापों का आवरण करने के लिए पड़ रहे हैं। हमने पूर्वजनों में कलयुगी दुनिया में राजा बन करके जो बड़े बड़े घोर पाप किए हैं, मन मत के आधार पर भारत को कंगाल बनाई दिया आपस में लड़ लड़ करके, तो विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। जिन आत्माओं के ऊपर हमने अत्याचार किया है वो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगी या नहीं करेंगी, हिसाब किताब लेंगी या नहीं लेंगी? क्यों, अगले जन्म में ले ले? अरे ये ड्रामा का अंतिम सीन है, कलयुगी चौथा युग है और इसका अब अंतिम जन्म है, सबका जन्म अंतिम जन्म है, सबको मरना ही है। ये महामृत्यु सामने खड़ी है, वो मृत्यु तो साधारण होती है, इधर होती है उधर होती है उधर होती है, अकाल पड़ता है तो ढेर सारी मृत्यु हो जाती है, तो भी साधारण मृत्यु है, उसे महामृत्यु नहीं कहेंगे। लेकिन अभी तो सारी दुनिया की महामृत्यु होनी है, क्या चाहे पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके देवान से मर जाओ, क्या देवान से मर जाओ, और नहीं तो देह को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी माया रूपी रावण ने जो जड़ प्रकृति है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली जो दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है, सारी दुनिया का विनाश कराई देती है, उस प्रकृति देवी का सहारा ले लिया है माया ने, हाथ मिला लिया है, इसलिए आप कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन वो महामृत्यु तब ही पूरी संपन्न होगी जब हमारी राजधानी नई दुनिया की पूरी स्थापन हो जाएगी, और वो राजधानी तो स्थापन होनी ही है कैसे भी हो। बच्चों के लिए ये इतना ड्रामा में पार्ट है, पहले स्थापना फिर सारी दुनिया पुरानी का विनाश। जो सत्व प्रधान बनेंगे आत्मिक स्थिति में रह करके वो ही बचेंगे,
शरीर के साथ बचेंगे, शरीर से ही पुरुषार्थ करेंगे, शरीर से ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ाई पढ़ करके इसी शरीर से मनुष्य से देवता बनेंगे, जैसे दुनिया में होता है। क्या होता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो इसी जन्म में पढ़ते हैं, इसी जन्म में इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। तो जिसे भगवान कहा जाता है, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर, वो का ये आके कहेगा कि पढ़ाई तुम्हें इस जन्म में पढ़ाता हूं और तुम अगले जन्म में प्राप्ति कर लेना। माने भगवान अंधश्रद्धा सिखाता है क्या? है, अंधश्रद्धा तो नहीं सिखाता, इसी जन्म में पढ़ाता है और इसी जन्म में प्राप्ति कराता है, इसी शरीर से प्राप्ति कराता है और साफ साफ ब्रह्मा मुख से बताए देता है कि तुम्हारी शरीर रूपी नैया और उस नैया में बैठे हुए खिवैया आत्मा का, दोनों का पार लगाने वाला खिवैया एक ही बाप मैं हूं। कौन आत्मा? जिसका नाम शिव है। वो हमको इसी शरीर रूपी नैया से इस नारकीय दुनिया से, इस विषय वैतरणी नदी से, विषय सागर से पार उतार के ले जाएगा। तुम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की, उनको छोड़ के जाने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक शिफ्ट है। जो पहले नंबर की डायनेस्टी है, जो डायरेक्ट नरसे नारायण जैसे बनते हैं, उनकी एक खासियत है, दुनिया के हर धर्म के मुकाबले एक खासियत है। क्या है? ये खासियत है कि जो ज्ञान, जो पढ़ाई वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाई उतनी गहराई से और कोई धर्म वाले नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारियां अपने को कहलाने वाले पढ़ते हैं, हैं? नहीं पढ़ते। सूर्यवंशी पढ़ाई में फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे? हैं? फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो त्रेतायुग में क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, क्षत्रिय धर्म में चले जाएंगे। फिर उनकी जो संतान पैदा होगी वो नीची कुरी की होगी या उनसे ऊंची कुरी की होगी? नीची कुरी के इस्लामी पैदा होंगे। कहते भी हैं, बाप भी बताते हैं कि जो फेलियर होते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। शास्त्रों में मिसाल भी दिया हुआ है भक्तों ने कि राम क्षत्रिय था, पहले जन्म का राम वो रावण से हार खाता है, या त्रेता के अंतिम जन्म में जिसे राम का टाइटल मिलता है वो रावण से हार खाता है, है? पहले जन्म वाला हार खाता है, है? ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी हाँ खाता है, यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, वो त्रेता के फर्स्ट जन्म में राम बनने वाला ही तो था। अरे आदि में जो परीक्षा हुई थी वो माया का फाइनल पेपर था क्या? है? नहीं था। माया का फाइनल पेपर तो अभी तक भी नहीं हुआ है,
माया का जो फाइनल पेपर होगा उसमें जो पास होंगे अव्वल नंबर में, वो अव्वल नंबर ब्राह्मणों की कुरी कही जाएगी भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। अव्वल नंबर की कुरी है सूर्यवंशी कुरी, वो अव्वल नंबर का डिपार्टमेंट है, राजा ही चलाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, हैं? जैसे आज की जो सरकारें हैं देश विदेश में, वित्त मंत्रालय अलग होता है कि नहीं है, सप्लाई अलग, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अलग, लेकिन सबसे ज्यादा परवरिश और सबसे ज्यादा ख्याल कौन से डिपार्टमेंट का रखा जाता है, जिसमें राज्य की कमाई का सबसे जास्ती हिस्सा लगाया जाता है, है? मिलिट्री। जैसे उस दुनिया में मिलिट्री में सबसे जास्ती खर्च करते हैं, देश विदेश में भी देख लो, ऐसे ही ये रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है रूहानी बेहद के बाप के द्वारा। इस रूहानी मिलिट्री में जो पढ़ाई पढ़ करके ट्रेनिंग लेकर के जो भर्ती होते हैं उनका और उनके बाल बच्चों का भी बहुत ख्याल रूहानी गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। क्या पहले से ही घोषणा कर दी? क्या क्या घोषणा की है? तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या तो बाल बच्चों के लिए भी निश्चिंतता हो जानी चाहिए कि नहीं है? वो भी रूहानी मिलिट्री में आ गए, पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो राजयोग की पढ़ाई है। जो राजयोग की पढ़ाई कर पढ़ते हैं वो राजकुल में आते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो प्रजाकुल में चले जाते हैं, हैं? तो जो रूहानी मिलिट्री में आने वाले तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, उनके परिवार वाले पढ़ाई पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? विरोध भी कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी विरोध कर रही हैं, दुनिया वाले भी विरोध कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो फिर उनको रूहानी मिलिट्री में क्यों ले लिया जाएगा, है? सारी दुनिया तो विरोध कर रही है, और तुम्हारे परिवार के जो हैं भैया बंद चाचा ताऊ पापा मामी वो भी विरोध कर रहे हैं, दादी अम्मा, लेकिन उनके लिए वरदान दे दिया। क्या कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? इसका कारण जाना नहीं जाना? इसका कारण है कि जो तुम्हारे इस दुनिया में सख्त विरोधी हैं, तुम्हारे और प्रैक्टिकल में आए हुए बाप के भी सख्त विरोधी हैं। क्या? जैसे कृष्ण का विरोधी कंस था तो कृष्ण को गौड़े गौड़े में भागना पड़ता था, जैसे शंकर का सबसे जास्ती विरोधी भस्मासुर हुआ तो सारी दुनिया में उनको भाग 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 करना पड़ा। शास्त्रों में ये बातें प्रसिद्ध हैं या नहीं? और राम को इस संसार रूपी जंगल में रह करके मेलवाणियों अटारियों में रहने वाले रावण से युद्ध करना पड़ा।
जंगल में छुप छुप के जैसे गुरिल्ला वार होती थी, छुप छुप के युद्ध करना पड़ता है, छुप छुप के ज्ञान बाण मारता है, जैसे आतंकवादी बाण मारे और ये भागा। आतंकवादी क्या करते हैं, हैं? गोली मारी और ये भाग खड़े हुए। तो ऐसे बाप को चलना पड़ता है। बाप ने भी बोला है, गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस्य। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। क्या ये आतंकवादी किसका अनुगमन कर रहे हैं, हैं? कि गोली मारी और भाग खड़े हुए, किसके रास्ते पर चल रहे हैं, हैं? अरे भगवान भी इस दुनिया में जब आता है तो यही कर्म करता है। क्या क्या कर्म करता है? कोई भी ब्रह्मा कुमारियों से जाके पूछो, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, तो वो किसको बताएंगी? अरे हमारे लिए पहले भी ओ सामा बिन लादेन था। कौन था? ओ शाम आ गई, क्या सूरज दिखाई नहीं पड़ता, छुप गया, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। जो भी तुम्हारे पास धन है, जो भी तन है, जो भी मन की शक्ति है, वो सब लाओ मुझे दे दो, जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। सारी दुनिया को ऐसे सरेंडर होके चलना पड़ेगा। ये ओसामा बिन लादेन नाम पड़ा, नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। वो बेहद का काम, वो बेहद का ओसामा बिन लादेन ही करता है। क्या घड़ी घड़ी देहभान से मरता है, फिर कोई न कोई ओसामा बिन लादेन जैसा पैदा हो जाता है।